हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अगर आप नई कार खरीदते हैं तो किन किन चीज़ों पे या किन किन पॉइंट पे ध्यान देना जरूरी है। जी तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और आपको बताते हैं आज के टॉपिक के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं या इस तरह की रेगुलर अपडेट चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी तो पहला टॉपिक है रिसर्च का। जब भी आप कोई कार खरीदें तो पहले उसके वेरिएंट, कीमत, ऑफर के बारे में पूरी जानकारी ले, वो चाहे ऑनलाइन से ले या ऑफलाइन से, शोरूम या डीलरशिप के पास जाकर, ताकि उनसे बातचीत करें, बाद में आपको पछतावा ना हो। और ये जरूरी है रिसर्च करना। सेकंड पॉइंट है बजट। जब भी आप कोई कार खरीदें तो अपना बजट फाइनल करें, क्योंकि उसमें कार की कीमत, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और अन्य खर्चे शामिल हो, ताकि आपको बाद में किसी भी तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े। नेक्स्ट है डीलरशिप। एक ही कार के लिए अलग अलग डीलरशिप से कांटेक्ट करें, उनसे ऑफर से रिलेटेड या प्राइस से रिलेटेड बातचीत करें, और बातचीत के दौरान जो डीलर आपको बेस्ट ऑफर में, कम प्राइस में आपको कार प्रोवाइड करें, उससे जो डील है वो फाइनल करें। नेक्स्ट है टेस्ट ड्राइव। जब भी आप नई कार खरीदें तो टेस्ट ड्राइव लेना भूलें नहीं, क्योंकि टेस्ट ड्राइव का से बेनिफिट ये होगा, आपको ये पता लगेगा कि आपके अकॉर्डिंग जो आप कार लेना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग जो कंफर्ट है, परफॉर्मेंस है, फीचर है, वो उसमें है या नहीं। नेक्स्ट है, अगर आप अपनी कोई पुरानी कार बेच के नई कार खरीदते हो तो उसके बदले क्या एक्सचेंज ऑफर है, क्या प्राइस में डिफरेंस रहेगा, उसके अलावा क्या क्या बेनिफिट है, तो वो आप जाने। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग ऑप्शन। अगर आप अपनी कार लोन पे लेने की सोच रहे हैं तो डीलरशिप द्वारा दिए गए फाइनेंसिंग ऑप्शन के अलावा और भी जानकारी देखें। इसके अलावा अगर आप लोन पर ले रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, जो टेन्योर है वो कितने टाइम का मिलेगा, उसके अलावा अगर कोई फीस, अदर फीस एप्लीकेबल या हिडन चार्जेस है या नहीं है, उन्हें आप डिटेल से जानें। उसके बाद आप फाइनल करें कि कार आपको लोन पे लेनी है या पूरी पेमेंट कैश पर। जी और इसके बाद है जो इसके वारंटी या अदर एसेसरी है। जब भी आप कार फाइनल करें तो इसके बारे में जानकारी लेना ना भूलें, क्योंकि ये मेजर फीचर है। और बात करें कि इसकी जो वारंटी है या एसेसरी है और इसके क्या क्या बेनिफिट है, प्राइस को रिलेटेड जो भी अदर इंफॉर्मेशन है, उनके बारे में पूरी डिटेल से और रिटर्न में चीज़ें लें। और लास्ट है डीलरशिप द्वारा दिए गए ऑफर को, वो फाइनल है या नहीं है, एक्सेप्टेड है या नहीं है, उनको आप देखें। और इसके अलावा जो उनकी तरफ से वादे किए गए हैं वो रिटर्न में है या नहीं है, और इसके अलावा जो भी प्राइस फाइनल किया गया है उनसे बातचीत करके फिर आप अपनी कार डन करें। जी तो ये थी बेसिक डिटेल आज के टॉपिक से रिलेटेड। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।